लेकिन सुनील साजन, बार बार अगर एक ही बात पर तंज किया जाए, व्यंग किया जाए, तो अक्सर हम ये करते हैं कि इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, लेकिन यहां पर जब आप अपना मॉडल नहीं रख पाएंगे कि कैसे सीट शेयरिंग करेंगे, कैसे आप साझा रैलियां करेंगे, कैसे आप साझा उम्मीदवार उतारेंगे, तो फिर अंडर क्वेश्चन मार्क तो आप रहेंगे, फिर इसमें दिक्कत क्यों? नहीं गर्मा जी, दिक्कत कहां है? कौन कह रहा है कि दिक्कत है? देखिए, जहां तक सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी का है, तो भारतीय जनता पार्टी अद्भुत पार्टी है, अद्भुत नेता हैं उनके, क्योंकि वो विपक्ष के नेताओं में नक्सल नहीं ढूंढते हैं, वो देश का जो अन्नदाता है किसान उसमें भी नक्सल ढूंढ लेते हैं, उनमें भी माओवादी और आतंकवादी ढूंढ लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी चमत्कारी पार्टी है, ये बलात्कारियों में राष्ट्रवादी ढूंढते हैं, बलात्कारियों में देशभक्त ढूंढते हैं, राष्ट्रभक्त ढूंढते हैं। आप इनको समझिए ना कि ये चाहते क्या हैं। और आपने कहा या बीजेपी कह रही है कि ये मोदी जी ने कहा कि मैं जो वादा करता हूं वो निभाता हूं। मैं आपके कार्यक्रम से, माननीय प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी के सारे नेताओं से, और खास तौर से उन नेताओं से जो बेचारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं लगातार आपके सवाल सुन रहा था और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले प्रवक्ता के जवाब सुन रहा था, एक भी सवाल का जवाब नहीं है। अगर मोदी जी के सारे वादे खरे हैं कि जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, तो क्या मोदी जी 15 लाख रुपए दे पाए लोगों को? क्या मोदी जी किसान की आय दोगुनी कर पाए? क्या मोदी जी 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दे पाए? क्या मोदी जी स्मार्ट सिटी बना पाए, बुलेट ट्रेन ला पाए? क्या मोदी जी रुपए को डॉलर के बराबर कर पाए? क्या महंगाई पर कंट्रोल मोदी जी कर पाए हैं? देखिए गरिमा जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी 9.5 साल पहले इस देश में प्रधानमंत्री बनकर के आए, देश को बड़ी उम्मीद थी, देश के बेरोजगार नौजवानों को उम्मीद थी, मैं ये कहूं कि पूरे देश को बड़ी उम्मीद थी। लगातार झूठ झूठ गप मारना, आज जानते हैं 9.5 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया क्या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन जो 2014 में उनकी इमेज थी, और आज हम लोग गांव से जुड़े हैं, जो लोग माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बात पर ताली और थाली बजाते थे, आज वो लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण पे कहते हैं कि ये गप्पी है। नहीं ठीक है, सुनील साजन, ये तो हो गया भाई, आप विपक्ष के गठबंधन है, अगर सरकार नहीं, सुनील साजन आपने बोल लिया बीजेपी पर, जो कि आपका सियासी कर्तव्य है, लेकिन मैंने तो कुछ और सवाल आपसे पूछा, विकल्प तो आपको देना है, उनमें खामियां तो अपनी खूबियां बताइए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आगे बढ़िए, सीट शेयरिंग पर आगे बढ़िए, मॉडल दीजिए देश की जनता को और फिर कंपीट करने का दम भरिए। ठीक बात है, मैं शुरू करूं आप? देखिए हमारा गठबंधन विचारों पर और मुद्दों पर है। जब इंडिया परिवार की सरकार बनेगी, सबसे पहले जाति जनगणना होगी, जाति जनगणना के आधार पर आरक्षण होगा, और जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतना आरक्षण होगा। ठीक है, 2% वाले जो लोग 70% आरक्षण पा रहे हैं, हाँ, वो 2% ही पाएंगे। ठीक है, और जो महिला बिल आया है उसमें ओबीसी महिलाओं को उनके जनगणना के आधार पर आरक्षण होगा। और सुनिए, नौकरियों में जो समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठाती रही हो, जो राहुल गांधी जी ने कहा कि दिल्ली की सरकार चलाने वाले सचिवालय में कितने ओबीसी हैं, फिर आपके कार्यालय से लेकर के और जितने भी संस्थान हैं सरकारी या प्राइवेट, उसी जाति जनगणना के आधार पर आपको पिछड़े, दलित और मुसलमान सबका रिप्रेजेंटेशन मिलेगा आपको हर दफ्तर में। प्रोफेसर विनीत सिंह, आप तो एनडीए का हिस्सा है, होगा क्या?